जय श्री राम। यहाँ पर रामचरितमानस में श्री राम शलाका प्रश्नावली दी गई है। इस राम शलाका प्रश्नावली का को जो तुलसीदास जी ने बनाया था, तो इसमें यह रहता है कि प्रभु श्री राम का नाम मन में स्मरण करके हम अपने मन से जो भी प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न का उत्तर हमें रामचरितमानस की चौपाइयों से मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रश्नावली है, ये देखिए आप, श्री रामचरितमानस में दी हुई है। और इसमें प्रभु श्री राम का नाम मन में रखकर स्मरण करके हम आंख बंद करके यहाँ पर किसी भी अक्षर पर अपनी उंगली रखेंगे और अपने प्रश्न को मन में रखेंगे, क्या वह हमारा कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा, तो उसका उत्तर हमें यहाँ इस चौपाई से मिलेगा। तो हम अपना प्रभु श्री राम का नाम मन में रखकर आंख बंद करके हम यहाँ पर उंगली रखते हैं किसी भी अक्षर पर। तो जैसे मैंने यहाँ पर उंगली रखता हूँ, तो मैंने यहाँ पर उंगली रखी, ठीक है। तो यहाँ पर अक्षर देखा मैंने स, तो हम इस स अक्षर को किसी और जगह पर लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर स अक्षर को किसी और किताब में खाली पेज पर लिख लेता हूँ मैं, और उत्तर ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि क्या मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका उत्तर मिल पाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये यहाँ पर लिखा है स, ठीक है। अब करना ये है कि ये जो स अक्षर मिला, इस स से नौवा अक्षर, नौवे नंबर का अक्षर हमें लिखते जाना है। तो देखिए क्रम वैसा ही चलेगा, स एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। तो अब हमने लिखा ब, ठीक है। फिर ब के बाद हमें फिर वापस नौवा अक्षर ढूंढना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, तो का। फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, फिर जा, है ना, काजा। फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, फिर ह। फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ द। फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ य। तो हम लिखते जाते हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद का आया था हमारा, उसके बाद जा आया था, फिर हमारा आया था र, फिर हमारा आया था द, और फिर हमारा आया था य, हृदय, ठीक है। उसके बाद फिर हम और आगे बढ़ते जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे, ठीक है। यहाँ पर हमारा, यहाँ पर यहाँ तक आ गए थे। फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, फिर रा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, खी, ठीक है, तो हम राखी। फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ को। फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ स, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ल। फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ पू। फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ र, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ तक जितना हमने किया है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम हृदय। फिर रा आया था हमारा, फिर खी आया था हमारा, ठीक है। उसके बाद को आया था, फिर श, फिर ल, फिर टू, फिर र, ठीक है। और उसके बाद आया था हमारा, फिर यहाँ पर हम अगला करते हैं। फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ठीक है, नौ। फिर यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो फिर हमारा अगला आया रा, और फिर उसमें हम लोग जा, ठीक है। अब हम इसमें से चौपाई निकालते हैं, तो ये देखिए क्या लिखा है, सब सब का जा, सब का जा, हृदय राखी, हृदय राखी, कौसलपुर राजा। तो इसकी चौपाई ढूंढते हम यहाँ पर कहीं मिलती है, तो देखिए यहाँ पर कुछ चौपाइयाँ दी है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें नहीं मिल रहा है, ये यहाँ पर मिल रहा है, प्रभिसि नगर की जय सब काजा, सब काजा आ रहा था, सब काजा, हृदय राखी कौसलपुर राजा, ठीक है। तो इस चौपाई का अर्थ क्या होता है, यह चौपाई सुंदरकांड में हनुमान जी के लंका में प्रवेश करने के समय की है, ठीक है। और फल क्या निकलेगा, भगवान का स्मरण करके कार्य आरंभ करो, सफलता मिलेगी। यानी कि यहाँ पर अगर हम प्रभु ने दिया है कि भाई भगवान का नाम स्मरण करके कार्य को आरंभ करो, सफलता जरूर मिलेगी। तो इस तरह से आपके मन में भी कोई प्रश्न हो, तो आप यहाँ पर राम शलाका की प्रश्नावली से आप अपना प्रश्न पूछकर उसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। और जय श्री राम, प्रभु सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामना।
जय श्री राम, जय जय सियाराम।